तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैंडी टॉक शिखा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आप सभी लोग इसी तरह हमेशा अच्छे बने रहे। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से नैन्सी त्यागी ने कांस फेस्टिवल 2024 में अपने जलवे बिखेरे, और इस तरीके से बिखेरे कि सारे सेलिब्रिटी के आग लग गई। वैसे भी सेलिब्रिटी तो हमेशा ही सबसे जलते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि कोई बाहर से आकर के, जिसको कि इंग्लिश भी नहीं आती, वो इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, वो बाहर से आए हुए टैलेंट की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। ये बात हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं छुपी हुई है। स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत वाले केस से हम सभी को ये चीज़ पता चल चुकी है। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, जो टैलेंट होता है ना, वो किसी भी स्टारडम का मोहताज नहीं होता है। अगर आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम आगे नहीं निकल सकते, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नैन्सी त्यागी है। तो प्लीज अपने टैलेंट को ना खुलकर लोगों के सामने लाइए, क्योंकि जो इंग्लिश है ना, वो सिर्फ एक लैंग्वेज है और ना कि कोई टैलेंट सिंबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। वाओ। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Don't be all that. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. बाय द वे, सेलिब्रिटी का जलना तो लाजमी है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी होने के बाद भी उनकी जो फुटेज थी, वो एक नॉर्मल सी लड़की नैन्सी त्यागी ले उड़ी। तो उनका तो जलना बनता है इस बात पर। लेकिन आप लोगों को एक बात कहूँ कि जो टैलेंट होता है ना, उसे किसी भी फुटेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, और ये नैन्सी त्यागी ने हम लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया है। नैन्सी त्यागी का जो गाउन था, जो उन्होंने कांस फेस्टिवल 2024 में पहना, उस ड्रेस के अंदर जो कपड़ा था, वो पूरा 1000 मीटर का लगा था, और उसको बनाने के लिए पूरा 1 महीना लगा था उन्हें। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर पहुँचते हैं ना, तो उसके पीछे जो है हमारा दिमाग, हमारी ज़िद, हमारा जुनून और हमारी मेहनत होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक गाउन को बनाने के लिए उन्हें पूरा 1 महीना लगा था, क्योंकि पैसे कमाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए मेहनत तो लगती ही है। तो फिलहाल आज का वीडियो हम इसी के साथ यहीं पर खत्म करते हैं। मैं फिर से लेकर आऊंगी कल आप लोगों के लिए एक नई एंटरटेनमेंट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।